सितंबर महीने में जम्मू कश्मीर में चुनाव है और ठंडे क्षेत्र में चुनावी पारा बहुत बढ़ता दिखाई दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के बाद माहौल में और गर्मी देखी जा सकती है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के दागे सवालों पर उमर अब्दुल्ला का वार खूब सुर्खियां बटोर रहा है। असल में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर अमित शाह ने 10 सवाल दागे हैं। अमित शाह ने पूछा है कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि सत्ता की लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने एनसी के साथ गठबंधन कर फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के सवालों का जवाब उमर अब्दुल्ला ने करारा दिया है और कटाक्ष करते हुए कहा है कि ये स्वागत योग्य बात है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र को पढ़ा है और उन्होंने इसका उल्लेख तक किया है। उमर ने मध्य कश्मीर के गांधरबल जिले में चुनाव प्रचार के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र की बात कही है, लेकिन उन्होंने पूरा घोषणा पत्र सही से नहीं पढ़ा। किसने कहा? मैं दिल की गहराइयों से होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो का जिक्र किया, नहीं तो कहा हम छोटे मतलब दर्जे की एक तंजीम इस मुल्क के दूर दराज कोने में इलेक्शन लड़ते हुए हमारा मंशूर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को नजर आए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जब हमारे मंशूर का नोटिस लिया तो उन्होंने मजबूर किया उन लोगों को जो आज तक हमारा मंशूर पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने भी हमारा मंशूर पढ़ा। अफसोस की बात यह है कि होम मिनिस्टर साहब को हमारे मंशूर में एक ही पैराग्राफ नजर आया और कुछ ऐसी बातें भी होम मिनिस्टर साहब ने की जो हमारे मंशूर में कहीं है ही नहीं, जिस तरह नाम बदलने की बात। मैंने होम मिनिस्टर साहब के इस ट्वीट के बाद अपना मंशूर दोबारा पढ़ा कि कहीं वो बात मुझसे रह न गई हो, लेकिन वो बात हमने कहीं अपने मंशूर में की नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ा और उसका जिक्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर प्रतिक्रिया दी है और आरक्षण के मामले पर घेरा है। अमित शाह ने ट्वीट किया है कि मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35 ए को हटाने के बाद वर्षों से दलित आदिवासियों, पहाड़ियों और पिछड़ों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करने और आरक्षण देने का काम किया है। क्या राहुल गांधी जेकेएनसी के घोषणा पत्र में उल्लेखित दलितों, गुजर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने वाले आरक्षण विरोधी प्रस्ताव का समर्थन करते हैं? वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस चुनाव पूर्व गठबंधन से कोई असर नहीं पड़ने वाला। आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के मायने समझाएं तो एक आर्टिकल के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया है वो एक सोचा समझा कदम है। इस गठबंधन से ये भी हो सकता है कि जम्मू में जो मुस्लिम वोट है अब उसके बंटने की आशंका कम हो जाए। दूसरी बात ये कि जम्मू कश्मीर में इस गठबंधन से बीजेपी की चिंताएं और चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर घाटी में इस गठबंधन से लोगों में ये संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दो बड़े सियासी दल खड़े हो चुके हैं। लेकिन वहीं एक्सपर्ट्स की ये भी माने तो गठबंधन की राह में कई मुश्किलें पेश आ सकती हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत सीट शेयरिंग फार्मूला तय करने में हो सकती है।